हेलो गाइस, जैसे कि अभी के समय पे हर बूढ़ा छोटे बच्चे सबके पास होता है स्मार्टफोन जी अफ्रेंड, यानी हर इंसान के पास अभी स्मार्टफोन अवेलेबल है, यानी हर इंसान के पास अभी हाथों में स्मार्टफोन है जी अफ्रेंड्स। तो इसी स्मार्टफोन में जैसे कि टू प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है जी अफ्रेंड्स, दो प्रॉब्लम्स। क्या है वो दो प्रॉब्लम्स? एक्चुअल में प्रॉब्लम देखा जाए तो मोबाइल का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बैटरी, जिससे मोबाइल चलता है, तो उसी बैटरी में प्रॉब्लम फेस हो रहा है जी फ्रेंड्स। तो प्रॉब्लम्स के एक में है, नंबर वन में है आपका बैटरी फुल जाना, और सेकंड में आता है बैटरी ब्लास्ट होना। ये तो एक बहुत ही बड़ा खतरनाक यानी प्रॉब्लम है। अगर आप देखने जाए बैटरी क्यों फूलता है और ब्लास्ट क्यों हो रहा है, जैसे बैटरी अगर फूलता है तो उसमें कोई आपका नुकसान तक नहीं है, मगर आपका बैटरी ब्लास्ट होता है तो आप बहुत खतरे में हैं जी फ्रेंड। ब्लास्ट अगर होता है तो आपका, अगर आप अपना मोबाइल पॉकेट में रखते हैं, किसी हाथ में रखते हैं, उस टाइम पर अगर आपका मोबाइल ब्लास्ट होता है तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो बॉडी पे कैसा रिएक्शन हो सकता है जी फ्रेंड्स। तो सो प्लीज़, अगर आप अभी तक नहीं पता है कि मोबाइल का बैटरी क्यों फूलता है और ब्लास्ट क्यों होता है जी फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल्स में आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी गैजेट में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप सोचेंगे अगर मेरा बैटरी, मोबाइल का बैटरी फुल रहा है और मैं जान नहीं पाऊँ कैसे। जी फ्रेंड्स, आप जरूर सोच रहे होंगे कि कैसे मेरा मोबाइल का बैटरी वो फुल रहा है और ब्लास्ट हो रहा है और फुल भी रहा है, और अगर नहीं फुल रहा है तो जान लीजिए कैसे फुलता है, इसका कॉजेस। सो फ्रेंड, इसके लिए आपको 6 जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, अगर आप इस 6 ट्रिक्स को यानी अप्लाई करेंगे, यानी आप इसको संभल के चलेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो आपका जो मोबाइल का बैटरी है वो कभी नहीं। जी हाँ फ्रेंड, इस 6 ट्रिक्स को आप सावधानी से चलेंगे तो आपका मोबाइल का बैटरी इजीली लाइफ टाइम चलेगा और आप इसको इजीली कर पाएंगे कि आपका जो बैटरी है वो कभी नहीं फूलेगा और आप इसमें सुरक्षित रहेंगे। तो क्या है वो 6 ट्रिक्स एंड टॉपिक्स, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर वन ट्रिक्स, यानी आपका जो हैंडसेट है यानी आपका स्मार्टफोन, अगर आपका हाथ से बार बार गिर जाता है, जी हाँ फ्रेंड्स, आपका स्मार्टफोन अगर आपके हाथ से बार बार गिर जाता है तो यही एक बैटरी फूलने का खतरा है। क्या होता है, अगर आपका हैंडसेट मिट्टी में गिर जाता है यानी कोई फ्लोर पर गिर जाता है तो इससे कैसे हो सकता है आपका इफेक्ट, यानी कि बैटरी का इफेक्ट। अगर आपका हाथ से बार बार आपके हैंडसेट गिर जाता है तो बैटरी का जो आपका डैमेज, यानी आपका बैटरी जो है वो फिजिकली डैमेज हो जाता है। और इससे आपका क्या होता है, अगर आपका मोबाइल का बैटरी फिजिकली डैमेज हो जाता है तो इसके लिए आपका जो हैंडसेट है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यानी अगर आपका हैंडसेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपका जो मोबाइल है वो ज़्यादा हीट करने लगेगा, यानी अगर आपका हैंडसेट हीट होता है तो वही है खतरा। टू, यानी अगर आपका मोबाइल का जो चार्जर है, आपका मोबाइल का चार्जर अगर खराब होता है तो आप क्या करते हैं, आप किसी नज़दीकी आपका शॉप में जाके कोई भी एक चार्जर खरीद लेते हैं, या फिर यही आपका सबसे बड़ा गलती है। आपसे मैं रिकमेंड करूंगी, प्लीज़ आप अपना किसी भी शॉप से जो लो प्राइस का चार्जर है वो कभी मत खरीदेगा। जी फ्रेंड, आप अगर लो प्राइस का चार्जर खरीदते हैं तो उसी चार्जर आपका बैटरी का अंत का कारण होगा। जी फ्रेंड, अगर आप लो प्राइस का बैटरी यानी आपका लो प्राइस का चार्जर खरीदते हैं तो उसी चार्जर आपका बैटरी का अंत का कारण बनेगा। इसीलिए
अगर आप, मैं रिकमेंड करूँ कि प्लीज आप सस्ता वाला चार्जर मत ही ले तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपना मोबाइल का बैटरी को सही रखना चाहते हैं और आप भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, लास्ट से बचना चाहते हैं। नंबर थ्री, जब फ्रेंड्स इस नंबर थ्री में आपका कोई गलती नहीं होता है, क्योंकि जब एक कंपनी बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग करता है यानी बैटरी को बनाता है और उसी टाइम पे कोई लिथियम आयन का जो बैटरी का सिस्टम होता है, दोनों के कारण लिथियम आयन का जो मिक्सिंग में आपका बैटरी बनता है, अगर कंपनी ने उसको प्रोसेसिंग नहीं किया यानी चेक टेस्टिंग नहीं करता है लिथियम आयन को मात्रा को, तो क्या होता है उसके कारण आपका जो बैटरी है वो बहुत हीटेड होता है, यानी आप चार्जिंग में लगाते हैं बैटरी फास्ट चार्ज होता है, मगर क्या होता है आपका जो फास्ट चार्ज होता है मगर आपका जो बैटरी है वो जल्दी फुल जाता है और आप सबसे ज्यादा खतरा वो ब्लास्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है। जब फिर ब्लास्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है तो ये आपका गलती नहीं है, ये टोटली फॉल्ट ऑफ कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जब फिर अब बात आते हैं नंबर फोर्थ का, यानी फोर्थ नंबर में कॉजेस क्या है, ओवर चार्जिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, हर मोबाइल यूजर इसी गलती में रहता है, यानी हर मोबाइल यूजर इसी गलती यानी इसको गलती कर बैठता है, या फिर कभी कभी तो मैं भी करता हूँ। तो ओवर चार्जिंग क्या है, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पूरा दिन भर मोबाइल को यूज करते हैं, करने के बाद पूरा रात भर हम जब भी हम सोते हैं उसको चार्जिंग में लगा देते हैं। तो एक मोबाइल का चार्जिंग का लिमिट टाइम होता है 3 से 4 घंटा या 5 घंटा, ठीक है। मगर हम क्या करते हैं, सोचिए कभी हम 10 बजे आप 11 बजे चार्जर लगाए और 8 बजे आप चार्जर से प्लग आउट कर रहे हैं, तो टाइम कितना हुआ आपका 10 बजे कम से कम 6-7 घंटा 8 घंटा। तो वन ऑफ का मोबाइल ओवर चार्जिंग, आपका मोबाइल का 100% होने के बाद ही आपको चार्जर को अनप्लग करना है, मगर आपका मोबाइल 100% चार्ज कंप्लीटेड है मगर आप उसको प्लग आउट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है आपका जो बैटरी है वो ओवरलोडिंग चार्ज लेता है और इसमें आपका बैटरी फुल जाता है। डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप सब मेरी कमेंट करूँगे, प्लीज मोबाइल को ओवर चार्जिंग मत कीजिए, इससे भी आपको खतरा है। नंबर 5 ट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप गेमिंग करते हैं, जी हाँ अगर आप पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो मोबाइल का मेन पार्ट से हम लोगों का प्रोसेसर, जी हाँ प्रोसेसर मेन मोबाइल का मेन पावर्स होता है। तो अगर आप मोबाइल से ज्यादातर गेमिंग करते हैं यानी गेम खेलते हैं और टाइम आपका गेमिंग खेलते हैं आपका मोबाइल से, जो आपका जो प्रोसेसर है वो ज्यादा हीट होता है। जी हाँ फिर आपका जो मोबाइल का प्रोसेसर वो ज्यादा हीट होता है और आपका मोबाइल का प्रोसेसर के कारण आपका जो बैटरी है मोबाइल का वो भी डैमेज हो जाता है और वो बैटरी फुल जाता है, क्योंकि जब प्रोसेसर पूरा हीटिंग होता है वो हीट के कारण आपका जो बैटरी सप्लाई वो भी हीट हो रहा है और हीट के कारण आपका मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है और बैटरी तो जरूर फूलेगा। जी फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हैं और फ्री फायर पबजी करते हैं रिक्वेस्ट है थोड़ा कम कीजिए। तो अब आते हैं लास्ट ट्रिक्स यानी नंबर 6। तो नंबर 6 ट्रिक्स में क्या है, जब फ्रेंड्स नंबर 6 ट्रिक्स में एक नेचुरली प्रॉब्लम्स है जो हर इंसान हर मोबाइल यूजर करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप धूप में निकलते हैं तो आपका जो मोबाइल है, आपका मोबाइल अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपसे रिकमेंड करूंगा प्लीज आपका जो मोबाइल है वो आप बैग या पॉकेट में जरूर रखें। अगर आपका नेचर यानी आपका धूप बहुत है तो उस टाइम आपका जो मोबाइल है वो आप हाथ में पकड़ के ना रखें, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका जो मोबाइल का डिस्प्ले है आप उसी डिस्प्ले से जो रेडिएशन क्रिएट होता है यानी आपका जो धूप यानी आपका जो गर्मी पैदा होता है उसी गर्मी से आपका जो बैटरी है उस बैटरी में आपका ज्यादातर हीटिंग यानी क्रिएट हो जाता है। आपका जो डिस्प्ले है वो रेडिएशन कैच करता है और उससे आपका जो पावर यानी बैटरी का जो इम्यूनिटी पावर होता है वो बढ़ाता है, इसलिए क्या होता है आपका मोबाइल का बैटरी फुल जाता है और जो ब्लास्टेड होने का चांसेस
ज्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स ये हुआ 60। अगर आपको इस तरह प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और प्लीज कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हां फ्रेंड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का वीडियो रोजाना ला देता हूं। सो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय-बाय।